टीवी में भी जितने भी मैचेस यहाँ पे होते हैं, और अभी भी जब हम हैदराबाद पहुँचे, पिचेस बहुत अच्छी हैं, हाई स्कोरिंग रन्स होंगे और बाउंड्रीज भी नॉर्मल है। रुको जरा सबर भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। रोहित शर्मा पाकिस्तान का बाप है, रोहित शर्मा पाकिस्तान का बाप है। इन्हें चाहिए कि इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, इन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म छोटा लफ्ज है, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए और बाबर आजम को तो सबसे पहले निकालना चाहिए। इन 10,000 पाकिस्तानियों के दरमियान मैं अकेला इंडिया की टी शर्ट पहन कर रोहित शर्मा विराट कोहली को सपोर्ट करने आया हूँ। रवि बिश्नोई सही कहता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का उड़ाना है, सही कहता है। को 7-1 नहीं करना, 7-8-0 है आज। किधर गई वो बाबर आजम की बातें, कह जी हम इंडिया को हराएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, घंटा बजा दिया इंडिया ने। बाबर शान से निकलो पर, और निकलो, किसी को नेपाल नहीं जाने दूंगा आज मैं, किसी को नेपाल नहीं जाने दूंगा। क्या नेपाल के खिलाफ 150 करने वाला, इंडिया के खिलाफ एक बैटिंग ट्रैक ट्रैक के ऊपर। अब भाई बैटिंग ट्रैक थी, ये बैटिंग ट्रैक था जिधर इंडिया ने आपके पड़ाचे उड़ा दिए हैं। बाबर आजम का भी घंटा बजा दिया है भाई। न्यूजीलैंड की सी टीम, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, इंडिया सबको मार के आप नंबर 1 बन जाते हो, मेन टीम के सामने आके आप भाग देते हो, आपकी औकात याद आ जाती है, आपकी टिपिकल औकात यही है। आप तो डिजर्व भी नहीं करते कि आप इंडिया के साथ खेलो, अल्लाह की कसम पाकिस्तान टीम डिजर्व भी नहीं करती कि इनको इंडिया के साथ खिलाया। 2 मैच जो जीते हैं लोगों ने, हमारे लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मैटर नहीं करती, हमारे लिए मैटर करता था इंडिया के मैच के साथ जीतना, वही जब हार गए तो हमें, अब मेरा तो लिटरली मेरा दिल कर रहा है कि इनको मैं अपने बजट पे ना, इनको मैं टिकट्स भेज के इनको मैं वापस बुला लूँ। यार ये लोग ने कितनी पथेटिक परफॉर्मेंस की है, बॉलिंग ये लोगों ने क्या किया, चले बॉलिंग छोड़े, बैटिंग पे तो कुछ कर लेते। ये क्या कैसी टीम है ये, एक भगा तो यार, कुछ भी कसम से अभी मैंने मोबाइल पे ये मारा, मोबाइल मेरा टूटते टूटते बच गया। ये कैसी टीम है वजात, मैं तो लोग टीवी तोड़े कर हमसे मोबाइल टूट रहे हैं, वाले दल्ले बगैर कंजर के बच्चे, ये कैसी टीम है हमारी, वो ये सारी आराम खोर है, ये दिल्ली टीम है, बगैर टीम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है वाले बगैर। गालियां आज क्यों मुंह से निकली, इसी वजह से निकली कि हारते तो कुत्ते के बच्चों, इंसानों की तरह हारते। उन्होंने ऐसा तुम्हें गंदा मारा, उन्होंने ऐसा तुम्हें गंदा मारा भूसड़ी क्यों। और हमारा भाई साहब वो चेयरमैन यहाँ पर आके बोलता था कि भाई साहब दुश्मन देश में जाके पाकिस्तानी टीम अपनी माँ बहन एक कर देगी क्योंकि हम हार गए। मैम क्या था इसमें, क्या इतना इन्होंने कहा, कोई ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा था, मतलब बीच में फील्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी उनको। चाचा ने रोना तो ना, चाचा बाबर आजम कहाँ है, चाचा रिजवान अब्दुल्ला, चाचा हसन।